जैसा कि इस ग्राफ में आप देख पा रहे हैं, हमने एक्स अक्ष और वाई अक्ष यहाँ पर बना के रखा है और साथ ही साथ ग्राफ की लाइनें भी इस पर आपको दिखाई दे रही हैं। तो हमने एक छोटे ग्राफ को थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे दिखाया है। अब हम कुछ प्लॉट्स को, कुछ बिंदुओं को इस ग्राफ पर प्लॉट करके देखेंगे। सबसे पहले मेरे पास एक बिंदु है 5, 3। जैसा कि हम जानते हैं यह एक्स अक्ष पर और यह वाई अक्ष पर निरूपित होगा। तो 5, 3, तो एक्स अक्ष पर यदि +5 है तो हम दाहिनी तरफ जाएंगे 5, और वाई अक्ष पर है 3 तो क्योंकि यह पॉजिटिव है तो इसलिए ऊपर की तरफ जाएंगे 1, 2, 3। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यह 3 इसको हम बढ़ाएं इधर और यह 5 इसको हम बढ़ाएं इधर, तो यह दोनों इस जगह आकर एक दूसरे से मिलते हैं, जैसा कि आप यहाँ बनी रेखाओं से भी देख सकते हैं। तो यह 3 इधर से और 5 इधर से ये यहाँ इस बिंदु पर मिलते हैं। तो यहाँ हम एक पिन की मदद से प्लॉट कर देते हैं। यह जो पिन हमने जिस बिंदु पर लगाई है यह बिंदु है 5, 3। इसी प्रकार से अगला हमारे पास बिंदु है -4, 2। -4 के लिए हम एक्स अक्ष पर बाई दिशा में जाएंगे, यह है बिंदु -4, और 2 के लिए हम ऊपर जाएंगे 1, 2, और यदि हम दोबारा देखें तो यह 2 इस तरफ और -4 यहाँ, तो यह रेखा और यह रेखा इस बिंदु पर आकर मिलते हैं। तो इसे हम एक पिन की मदद से प्लॉट कर देते हैं। यह जो हमारे पास बिंदु आया यह है -4, 2। इस प्रकार से हम पिन की मदद से इस ग्राफ पर अलग अलग बिंदुओं को निरूपित कर सकते हैं और बच्चे खेल खेल में ग्राफ सीख सकते हैं।